बाजार में छाई रुद्राक्ष व रेशम के धागों से बनी राखियां, बड़ी चांदी की राखियों की डिमांड। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन पर इस बार भाइयों की कलाइयों पर चाइनीज राखी नहीं बल्कि बहनें रेशम की डोर बांधेंगी। रक्षाबंधन के नजदीक आते ही बहनों ने बाजार में राखियां खरीदनी भी शुरू कर दी है। यही कारण है कि इस बार तुलसी, रुद्राक्ष, रेशम के धागों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत अन्य सामग्रियों से बनी करीब 1000 अलग अलग डिजाइन की स्वदेशी राखियां बाजारों में सजी हुई है। बहनों के साथ भाई भी इस रक्षाबंधन को लेकर काफी उत्साहित है। भाई जहां अपनी बहनों के लिए यादगार उपहार खरीद रहे हैं तो दूसरी ओर बहनें इस बार चाइनीज राखियों से बचते हुए भाइयों की कलाई पर स्वदेशी राखियों को पसंद कर रही हैं। 2 महीने पहले जिस तरह संक्रमण का प्रकोप था उसे देख प्रतीत हो रहा था कि रक्षाबंधन पर इस बार विक्रेताओं को मायूस होना पड़ेगा, मगर दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। सुभाष नगर में विक्रेता राजकुमार ने बताया कि राखियों के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, पिछले साल भी काफी माल बचा हुआ है। शहर में सुभाष नगर, अयूब खान चौक, कुतुब खाना, आलमगिरीगंज, किला के बाजारों में राखियों की दुकानें सजी हैं। विक्रेता सौरभ बताते हैं कि बच्चे छोटा भीम, बेंटेन, डोरीमोन, सिंगचैन, लाइट वाली राखी व युवा रेशम की डोर के अलावा डिजाइनदार राखियां पसंद कर रहे हैं। बाजार में 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की चांदी की राखियां उपलब्ध हैं। लाल मुरारी, लाल श्री राम सर्राफ के मालिक संजीव अवतार अग्रवाल ने बताया कि इस बार ग्राहकों में काफी उत्साह दिख रहा है। भाइयों के लिए बहनें राखी के रूप में चांदी के ब्रेसलेट और बहनों के लिए भाई अंगूठी, टॉप्स और चैन खरीद रहे हैं।